बैरिया पंचायत में विकास और जनता के बीच रहा हूँ पुल बनकर, और शायद इसलिए मेरा चुनाव चिन्ह है पुल छाप। नवीन कुमार, News9 Times। बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया बैरिया प्रखंड के बैरिया पंचायत से निवर्तमान मुखिया नवीन कुमार अपने चुनाव चिन्ह को लेकर कहे कि मैं जनता और विकास के बीच जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि पुल बनकर रहा हूँ, और इसी कारण शायद मेरा चुनाव चिन्ह पुल ही है। बैरिया पंचायत में मेरे बीते 5 सालों में जितने पुलों का निर्माण कराया गया है वो कभी भी किसी के कार्यकाल में नहीं बनाया गया। मैं अपने पंचायत में जनता के विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए आज अपने मतदाताओं का अपार समर्थन पा रहा हूँ। पंचायत में नाला नाली व आवास बनाने के क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से कार्य करवाया गया। शौचालयों व चापाकलों से पंचायत वासियों को लाभान्वित किया गया। मेरे कार्यकाल में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया। अंतिम संस्कार के लिए सौदाह गृह का निर्माण कराया गया। वार्ड नंबर 1 से 12 तक के हर गली गली में सड़कों और नालियों का निर्माण कराया गया, जो कि विकास की स्वतः गाथा लिख रहा है। और जनता मुझे फिर से एक बार मौका देती है तो जो कमियां हैं उसे पूरी की जाएंगी। हालांकि ग्रामीणों ने भी मुखिया नवीन कुमार के कार्यकाल में किए गए कार्यों की सराहना की, और जिस तरह से उनके जन समर्थन में विशाल जुलूस का हिस्सा बने उससे उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे में कुछ चुनावी पंडितों ने तो यहाँ तक कहा है कि जनता का समर्थन व आशीर्वाद प्रत्याशी नवीन कुमार को मिलने के कारण जीत मिलना तय है, पर उन चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी कहाँ तक सच होकर जनता का मत किस प्रत्याशी को जीत दिलाएगी या तो मतदान और मतदान की गणना के पश्चात ही स्पष्ट हो पाएगा। News9 Times। सर, आप अभी बैरिया पंचायत से प्रत्याशी के रूप में मुखिया पद पे आप हैं, और अभी पुनः फिर से आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताइए आप अब तक किस तरह के कामों से बैरिया पंचायत को विकास के मार्ग पर लाए? देखिए, पूर्व में जो है जो मुखिया थे 10 वर्ष, उनके कार्यकाल में बैरिया पंचायत में आपको विकास का किरण नहीं पहुंचा, केवल मुखिया बनकर जो है पंचायत के कुर्सी पर बैठकर और केवल शोभा बढ़ाया गया, कहीं नाली नहीं बना, कहीं लोगों को आवास नहीं दिया गया। एक काम के लिए कई बार छात्र नौजवानों को दौड़ाया जाता था, और जब मैं मुखिया बना तो तमाम तरह के काम किए। यहाँ पर सबसे अहम काम है हम जनता को बैठने के लिए पंचायत भवन का ठीक कराए, वहाँ पर शौचालय चापाकल और पंखा लगवाए, इसके अलावा आपको पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाए, सौदाहगिरी निर्माण कराए, वार्ड संख्या 1 से लेकर 12 तक ये सभी वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर जरूरत के हिसाब से नली गली ईंट सोलिंग फेबर ब्लॉक PCC तमाम तरह के जो है काम कराए। और आप जिधर निकलिएगा, जिस वार्ड में निकलिएगा, जिस गली में निकलिएगा, उस गली में मेरा ही रोड दिखाई देगा। पूरा हम सड़क का जाल बिछा दिए, पुल 7 पुल हम बनवाए, जहाँ पर आवागमन बाधित हो जाता था बरसात के दिनों में, वहाँ पर हम तमाम तरह का काम किए और 1000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा लाभ दिए। लेकिन कोरोना काल जैसे महामारी ने पंचायत के विकास को 2 वर्ष रोक दिया, कुछ काम अधूरे रह गए हैं। 3 वर्ष में ही हम काम किए हैं जो पूरे चंपारण नहीं, पूरा आपको जिला स्तर पर काम का जो है विकास दिखाई दे रहा है। और जो हम वादा किए हैं कि कुछ काम बाकी रह गया, उस काम को पूरा करने के लिए हम पुनः जो है जनता के बीच में हैं। और नॉमिनेशन के रोज से हमारा जो नॉमिनेशन के दिन जो जनता का नौजवानों का जो जैन सैलाब उमड़ा, जोश जुनून जो साबित कर दिया कि पुनः जो है जनता मुझे मौका देगी विकास के नाम पर। और हम जनता से वादा किए हैं कि यदि आप मुझे एक बार मौका देते हैं तो आपके पंचायत के जो विकास पार्ट 2 का जो हम नारा दिए हैं, जो अधूरा कार्य है, उसको हम पूरा करेंगे। और यहाँ पर जैसे सोलर लाइट लगाना है, डस्टबिन लगाना है,
आपको बहुत सारे वार्डों में ईंट सोलिंग पीसीसी फेबर ब्लॉक निर्माण कार्य बाकी रह गए हैं। आपको जो है साइफन जो वहाँ बनवाना है, वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4 के किसानों का फसल बरसात में बर्बाद हो जाता है, तो वहाँ गंडक नहर पर साइफन निर्माण कराना है, वह काम बाकी है। और 613 जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित जो लोग थे, उन लोग का हम सर्वेक्षण करके सूची बना दिए हैं, पारित कर दिए हैं 600 वह, और आपको जो है 550 रिपेयरिंग वाले। जो भी आचार संहिता खत्म होगा, जनता हमको मौका देती है, तो इन तमाम कार्यों को करना है और पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। और जो चुनाव के जो पीरियड में, जो समय में जनता का हमारे साथ जो पैदल मार्च हुआ, नौजवानों का, महिलाओं का जो जोश जुनून दिखाई दे रहा है, आज मेरा मोटरसाइकिल जुलूस था, जो कि आपको जो है 500 से ऊपर के मोटरसाइकिल हमारे जुलूस में था, और सभी मोटरसाइकिल पर 2-3 नौजवान जो है सवार थे, जो जोश जुनून जो आज दिखाई दिया शांतिपूर्ण ढंग से एक अनुशासन के अंदर रहकर, यह साबित करता है कि पुनः जो है जनता मुझे मौका देगी। सर एक चीज बताइए, आपका चुनाव चिन्ह पुल छाप है और पुल का काम होता है एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाना, क्या आप इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो विकास और जनता के बीच पुल की तरह आप काम करेंगे या फिर एक जन प्रतिनिधि की तरह काम करेंगे? देखिए, पूर्व में भी मुझे पुल चुनाव चिन्ह मिला और यह तीसरा बार मुझे पुल चुनाव चिन्ह मिला, और पुल को जो है हम इतना मजबूती से जो है पंचायत में बनवाए हैं कि आप जाकर देख लीजिए, बंगाली कॉलोनी में दो एक पुल, वहाँ लोग बोले दो दो पुल हम बनवाए, यहाँ प्रखंड मुख्यालय परिसर के जो गड्ढा है वहाँ पुल बनवाए, आपको मेन रोड में पुल बनवाए। यह पुल जो है काफी मजबूती से बना है, इसमें 12 mm 16 mm के छड़ लगाए हैं और इस पुल से टकराने को किसी का हिम्मत नहीं है, पुल एकदम मजबूती से डटा हुआ है। अब पुल का चुनाव चिन्ह का जीत निश्चित होगा। जनता और विकास के बीच पुल आपका आने जाने का मार्ग बनेगा, जनता के पास विकास पहुंचाने का? एकदम पुल इतना मजबूती से बना है कि एकदम जनता और जो है पुल का बीच एक अनुनासर संबंध रहेगा, और जनता जो है वो पुल से जो है होकर गुजरेगी और अपने विकास के काम करेगी। आपका परिचय? नवीन कुमार मुखिया, निवर्तमान मुखिया, ग्राम पंचायत राज मैया, सौ प्रखंड अध्यक्ष मुखिया संघ। हमारे सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं शेयर जरूर करें।